friends, good afternoon. Hope you all are doing good. Chaliye ji, starting with the new topic, that is sale of goods act 1930. The sale of goods act 1930. Chaliye. Now, first question, जब भी कोई नया एक्ट शुरू करते हैं, from which date this act came into force, ठीक है? वो question हमारे लिए बहुत relevant होता है, तो important date यहाँ पे mark कर लीजिए. This act came into force from 1st of July 1930. Came into force from 1st of July 1930. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, वो पूछते हैं कौन सी डेट थी हमारा एक्ट इनएक्ट हुआ, दैट इज 1st of July 1930. दूसरी बात, विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, क्या ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे लगता है या जम्मू कश्मीर कोई एक्सेप्शन है. ये पॉइंट हर एक एक्ट में बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है. ठीक है, जब भी कोई नया एक्ट पढ़िए, सबसे पहला क्वेश्चन है यू शुड आस्क कि कब ये एक्ट आया, दूसरा ये एक्ट कहां कहां लगता है. तो लिखिए इसका एप्लीकेबिलिटी, मार्क करिए एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी में ध्यान से लिखिए, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. एप्लीकेबल ऑन या एक्सटेंड्स ऑन, एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया. व्हेन आई से होल ऑफ इंडिया, वैसे तो जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली आता है, बट स्टिल यहां पर उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. रीजन बीइंग, अगेन मैं बता चुकी हूँ रीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का, यू नो, स्टेटस दिया हुआ है स्पेशल स्टेट का. तो वहां पे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट डिसाइड करती है वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट शुड बी एप्लीकेबल ऑन देम और नॉट. ठीक है, और यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल मत करो, दैट इज वाई इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो क्या ये याद रहेगा, फिर से पढ़ ले, दो क्वेश्चन, इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1st जुलाई 1930, दूसरा एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. चलिए यहाँ पे चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, अब बात करते हैं एक्चुअली में ये एक्ट बोलता क्या है. ना सबसे पहले नाम पे ध्यान दीजिएगा, दिस एक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, मतलब हम बात करेंगे गुड्स के सेल की. नाउ सेल का मतलब क्या, यहाँ पे परचेज को ट्रीट नहीं करेंगे. The point is, whenever we talk about the goods, selling and purchasing, quite common transactions, वो revenue generate करते हैं. Now, कई बार क्या होता है कि buyer cheating करता है, कई बार seller cheating करता है. कभी ये नहीं समझ में आता कि क्या यहाँ पे sale हुई या नहीं हुई. Example देती हूँ, एक छोटा सा example देती हूँ. Let's say, हम एक mall में जाते हैं, हम कुछ item purchase करते हैं, we pay immediately, और वो हम अपना bag लेके आ जाते हैं. This is what? Sale on their behalf. मॉल के बिहाफ पे सेल हुआ. दूसरा, हम एक लोकल शॉप में जाते हैं, ठीक है, मम्मी की जान पहचान वाली बुटीक में मैं जा रही हूँ, मैंने वहां से 4 सूट पसंद किए एंड मैंने आंटी को ही बोला, आंटी देखिए फाइनल नहीं किया है, इनमें से जो 2 ज्यादा पसंद आएंगे घर में सबको, वो वाले 2 सूट में फाइनल करूंगी, रेस्ट आई रिटर्न. तो दिस इज व्हाट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. तो क्या हम इसको सेल ट्रीट करें या नहीं करें, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये सब आप सीखोगे अकाउंट्स में. ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं सिखाती हूँ सेल ऑफ गुड्स, तो मुझे आपको सिंपल ये सिखाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स का क्या मतलब होता है. ठीक है, फिर सेल में क्या पोजेशन पास करना सेल होता है या ओनरशिप पास करना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स सिंपली इसलिए आया बिकॉज जब भी गुड्स का सेल होता है देयर आर सर्टन डिस्प्यूट्स, तो उसको हैंडल करने के लिए एक कॉमन एक्ट आ गया, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अब एक्ट कभी आया, 1930. Now, as I always ask, क्या 1930 से पहले सेल नहीं होता था, क्या वहां पे डिस्प्यूट नहीं आते थे. भाई 1930 से पहले भी तो सेल होता ही होगा ना, गुड सेल और परचेज होता होगा, डिस्प्यूट्स भी आते होंगे. तो पहले कौन सा एक्ट उसको डील करता था, अर्लियर वी आर हैविंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, हमारे पास क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कब से था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872. प्लीज ऐसा मत करो, ईयर याद रहना चाहिए. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872, 1870 से बेसिकली वो एक्ट हमारे पास है. अभी हुआ क्या ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ,
Indian Contract Act. Okay, that means if there's any contract between the two parties, which contract, which law will prevail? Indian Contract Act. Now, Indian Contract Act, जो मैंने पढ़ाया था, मैंने specifically बताया था that it is a general law. ठीक है, कोई भी contract होता है, generally दो लोगों के बीच में Indian Contract Act उसके ऊपर लगता है. Now, partnership एक special set of transaction है, इसलिए Indian Contract में से जो provisions partnership के थे, वो हमने sideline कर दिए, repeal कर दिए. ठीक है, same way sale of goods act, ये हमारा specific transaction वाला हो गया. ठीक है, Indian Contract Act बात करता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट की. जब मैं बात करती हूँ सेल की, सेल का मतलब है डेफिनेटली दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बट ये स्पेसिफिक है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो चीजें स्पेसिफिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट की थी, उसको अलग करके हमने एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तो क्वेश्चन आता है, मैम वेदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल और नॉट. तो वहां पे मेरा आंसर होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीइंग अ जनरल लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल, बट जब तक वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से इनकंसिस्टेंट अगर है. इनकंसिस्टेंट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ बोलता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ बोलता है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बात क्लियर है? सपोज मैं कुछ बोलती हूँ, सर कुछ बोलते हैं, तो वो इज द डोमिनेटिंग वन, वो चीज हमको समझनी है. तो यहाँ पे क्रक्स, इतने डिस्कशन जो हमने किया उसका क्रक्स क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है. ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है, बट इफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसिस्टेंट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन व्हिच विल प्रिवेल? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक है. ये बात क्लियर है? यही बेसिक पूरा पार्टनरशिप में भी सिखाया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल, तो यहाँ पे एक सेक्शन नंबर आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, सेक्शन नंबर 4, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1. प्रिसाइसली अगर वो पूछे तो उसका आंसर है 4 सब सेक्शन 1 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. डन विद दिस थिंग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन देता है. ठीक है, पढ़े आगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ मनी कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस. कुछ भी नहीं मांग करना है, मैं सब समझाऊंगी. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इट इंक्लूड्स बोथ अग्रीमेंट टू सेल एंड सेल. अब समझना, हम एक एक वर्ड पे फोकस करते. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करिए कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट लाइन में वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी देयर वेयर सेलर ईदर ट्रांसफर, ठीक है, और अग्रीज टू ट्रांसफर. ट्रांसफर व्हाट? ओनरशिप. ट्रांसफर व्हाट? ओनरशिप. ओनरशिप ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स. ठीक है, ओनरशिप ऑफ गुड्स क्या फ्री में देगा? फॉर कंसिडरेशन. अब जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं उन सब पे डिस्कशन करना है. दीज आर द एसेंशियल, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो देयर हैज टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो जितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कंसिडरेशन, प्री कंसेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है. ठीक है, तो देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. अब कॉन्ट्रैक्ट में सेलर क्या करता है? ईदर ट्रांसफर द ओनरशिप और अग्रीज टू ट्रांसफर. ठीक है, या तो वो ट्रांसफर कर देगा या अग्रीमेंट टू ट्रांसफर हो रहा है. ट्रांसफर कर दिया कोई चीज, अब मैंने कोई काम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एग्जीक्यूटेड. एवरीथिंग डन तो एग्जीक्यूटेड. अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अभी ट्रांसफर नहीं किया, दैट मीन्स इट इज एग्जीक्यूटरी. यही बेसिक बात है. अच्छा, ओनरशिप. ओनरशिप ऑफ व्हाट? ओनरशिप ऑफ गुड्स. ना ओनरशिप और पजेशन दो अलग अलग बातें हैं. पजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकली डिलीवर कर देना, दैट इज योर पजेशन. ठीक है, ओनरशिप मैं ओन करती हूँ बट मैं, मेरे पास अभी है नहीं, फिजिकली मेरे पास नहीं है, तो ओनरशिप हम समझेंगे.
ऑफ गुड्स, गुड्स पे डिटेल डिस्कशन करना है, गुड्स के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे हैं। फॉर कंसिडरेशन, डेफिनेटली फ्री में नहीं हो रहा है, नो चैरिटी इज गोइंग ऑन, यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। बात क्लियर है? तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चैरिटी वाले गुड्स आते हैं? गुड्स गिवन फॉर ऑन चैरिटी, चैरिटी के नाम पे गुड्स दे दिया, क्या आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा, कंसिडरेशन हैज टू बी देयर। बात क्लियर है? पक्का। अब देखो एसेंशियल्स में यहाँ पे लिखा है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली सेलर बायर दोनों होने चाहिए, इसीलिए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी देयर। नाउ व्हेन दे से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मार्क करिए वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। व्हेन दे राइट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इट मींस मूवेबल, समझना। मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा एक्ट जिसको बोलते हैं। हम समझेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर मूवेबल इमूवेबल। प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर मूवेबल का हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर लगेगा, और अगर इमूवेबल ट्रांसफर है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक अलग एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, शॉर्ट में हम टोपा एक्ट बोलते हैं जिसको, वो लगता है। बात क्लियर है? यानी अगर कोई ये प्रॉपर्टी का मैं ट्रांसफर कर रही हूं तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? दिस इज इमूवेबल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। इस पेन को ट्रांसफर कर रही हूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, एसेंशियल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। तो फर्स्ट वी शुड मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। यहां से स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके, सेलर में या तो ट्रांसफर करते हैं या फिर अग्रीमेंट टू ट्रांसफर। तो इस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, फिर बात करेंगे गुड्स की और कंसिडरेशन की। तो अभी बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट टू सेल, दोनों में ड्रास्टिक फर्क है, ठीक है, ड्रास्टिक डिफरेंस है यहाँ पे। एक बेसिक बात मैंने बताई, सेल इज एग्जीक्यूटेड और अग्रीमेंट टू सेल का मतलब एग्जीक्यूटरी। अब समझना बात को, आप मेरे शॉप पे आते हो, ठीक है, आपने परचेज किया, मैंने सेल किया, आप गुड्स लेके चले गए, दिस इज व्हाट सेल। आप मेरे शॉप पे आए, आपने परचेज किया, मैंने सेल किया, बट मैंने आपको डिलीवरी नहीं दी, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बट स्टिल मैंने बोला कि मैडम अभी रेडी नहीं हुआ है, हम इसको अल्टर करा के आपको देंगे, ठीक है, विल डिलीवर इट टू यू टुमोरो, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे सेल है कि अग्रीमेंट टू सेल है? सेल इज देयर, रीजन बी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो बेसिक डिफरेंस सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में क्या है? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, अग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप इज नॉट योर ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फार्मर, ठीक है, मैं यहाँ पे, आप मेरे से बोलते हो हम लोगों के यहाँ इस चीज का बहुत डिमांड है, आप ये वाला बेसिकली प्रोडक्शन करो, ठीक है, मान लीजिए वीट का बहुत डिमांड है या राइस का बहुत डिमांड है, आप राइस का प्रोडक्शन करो। मैंने कहा ठीक है जी, राइस का प्रोडक्शन करूंगी। अब राइस बनेगा, प्रोडक्शन होगा, फिर मैं बेसिकली सेल करूंगी, तो क्या आज मैंने सेल कर दिया? बट अग्रीमेंट हो गया है कि जो भी मेरे यहाँ से राइस कल्टिवेट होगा वो मैं आप ही को सेल करूंगी, तो देयर इज अ अग्रीमेंट फॉर सेल, एक्चुअली सेल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बेसिक डिफरेंस सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर, ठीक है, एंड अग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप इज नॉट योर ट्रांसफर। अग्रीमेंट हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अब देखो सारा खेल ओनरशिप है, ये सारे पॉइंट्स हम समझ लेंगे, पहले हम कुछ बेसिक बात समझ लें। व्हेन आई से ओनरशिप इज ट्रांसफर, फिजिकल डिलीवरी की मैं बात नहीं करती हूँ। जब मेरे एग्जाम्पल में जब आपने, मैंने आपको सील कर दिया, मैंने आपसे कहा डिलीवरी कल दूंगी या बाद में दूंगी, तो पोजेशन आपको नहीं दिया, पोजेशन मे बी विद द सेलर, बात समझ में आई, बट स्टिल यहाँ पे सेल हो गई है। तो पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड।
ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड का मतलब रिस्क और रिवॉर्ड आपने दोनों ट्रांसफर कर दिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब, सपोज मैंने आपको सेल कर दिया गुड्स, आपने बोला आप डिलीवरी बाद में लोगे, ठीक है, तो इट इज एट माई गोडाउन, ठीक है, ये सेल है. अब हुआ क्या, मान लीजिए मेरे गोडाउन में आग लग जाती है, नुकसान किसका होगा, आपका या मेरा? योर गुड्स आर एट माई गोडाउन, मैंने आपको सेल कर दिया, यू आर सेइंग डिलीवरी बाद में लेंगे, उसी दिन मेरे गोडाउन में आग लग जाती है. व्हेन आई से ओनरशिप इज ट्रांसफर, इसका मतलब रिस्क ट्रांसफर हो गई. अब गुड्स का लॉस हुआ तो भी आपका, गुड्स का प्रॉफिट हुआ तो भी आपका. गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? पक्का? प्रॉफिट कैसे हो सकता है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जैसे कुछ गुड्स होते हैं ना, वहां पे क्या रहता है, जितना पुराना उतना ज्यादा अच्छा. राइस की बात करूं, जितना पुराना क्वालिटी होगा, जितना पुराने ईयर्स का प्रोडक्शन होगा उतना अच्छा माना जाता है. लीकर पुरानी शराब ज्यादा अच्छी मानी जाती है. द पॉइंट इज मैंने आपको सेल कर दिया, ठीक है, मैंने आपको सेल किया मान लीजिए 500 रुपीज में. अभी वो मान लीजिए आपने डिलीवरी नहीं लिया 2 साल तक, अब ऑब्वियसली पुराना हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया होगा, पुरानी गुड्स की ज्यादा वैल्यू होती है. अब मान लीजिए उसका प्राइस 700 है, तो वो भी किसका रिवॉर्ड हुआ, आपका, नॉट माइन. रीजन बीइंग ओनरशिप इज ट्रांसफर. तो जब ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो फिर रिस्क भी जाती है, रिवॉर्ड भी जाता है, ठीक बात है. जबकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, इट मींस रिस्क भी मेरी, रिवॉर्ड भी मेरा, वही हम कर रहे हैं. फर्स्ट सेल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस इमीडिएटली. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन. समझ आया, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. सेल एग्जीक्यूटेड और अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी. नेक्स्ट, कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी. कन्वेंस का मतलब वो इज इंटाइटल्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ना यहाँ पे ऑब्वियसली बायर, भाई बायर के पास राइट होगा एंजॉयमेंट का, बट मैंने एक टर्म से कहा था जस्ट इन परसोनम. जस्ट इन परसोनम का मतलब क्या था, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन. सब लोग एकदम ब्लैंक लुक दे रहे हैं. रीजन बीइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बहुत बार कह चुकी हूँ, जितने भी इस टाइप के टर्म है उसको अलग से मार्क करिए, लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट इन परसोनम का मतलब राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, और जस्ट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नाउ बायर इज गेट द राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सेलर. अ सेल क्रिएट जस्ट इन रेम. अब इसको याद रखिएगा, जस्ट इन रेम का क्या मतलब होता है, एंड बायर डज नॉट गेट एनी सच राइट, इट क्रिएट ओनली जस्ट इन परसोनम. क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन यहां पे? जस्ट इन रेम, जस्ट इन परसोनम. एक एग्जाम्पल देती हूं, जस्ट इन रेम इसका मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नाउ लेट्स से सेलर बायर, ए ने बी को गुड्स सेल कर दिया, डिलीवरी पेंडिंग है अभी, ठीक है, तो गुड्स फिजिकली पजेशन किसके पास होगा, पजेशन किसके पास होगा, सेलर के पास, पजेशन ए के पास है, ठीक है. मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, मतलब गुड्स का पजेशन ए के पास है, बट सेल हो चुका है, ठीक है, ये सेलर है और ये बायर है, बात क्लियर है. अब जब सेल हो गया, इट मीन्स ओनरशिप इज ट्रांसफर. लेटर ऑन मान लीजिए कि सी ने ए को लालच दिया कि मैं तुम्हारा गुड ज्यादा वैल्यू पे खरीदूंगा. इसने मान लीजिए 100 पे खरीदा है, इसने बोला मैं 200 पे परचेज कर लूंगा. सो ए ने ये गुड्स किसको दे दिए, सी को. अब बताइए गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, गुड्स किसके हैं, बी के. किसको दे दिए, सी. अभी बी के पास राइट किसके अगेंस्ट होगा, ए के अगेंस्ट में तो होगा ही होगा, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. वो सी से भी वापस ले लेगा गुड्स. गेटिंग माय पॉइंट? रीजन बी ओनरशिप इज ट्रांसफर. सो जब सेल होता है तो राइट मिलता है जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. ए के अगेंस्ट में भी राइट मिलेगा, सी के अगेंस्ट में भी राइट मिलेगा. जबकि अगर मैं अग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो अगर ये अग्रीमेंट टू सेल होता तो राइट मिलता सिर्फ ए के अगेंस्ट में. अब सी को कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक बात है. चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. ट्रांसफर ऑफ रिस्क किस बात का, अगर गुड्स का लॉस हो जाए तो रिस्क किसका होगा, सेल के केस में बायर का, ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर का. अब बायर में यू नो कंफ्यूजन आता है
कि अगर गुड्स पोजीशन में किसके, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फोर व्हीलर ऑर्डर करा, ठीक है, आपने सेल कर दिया, फोर व्हीलर आपने परचेज कर लिया, अब गाड़ी के शोरूम में अगर कोई दिक्कत आती है तो लॉस किसका होगा, आपका, रीजन बीइंग रिस्क इज ट्रांसफर्ड, क्लियर है ये बात, तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ लॉस टेक प्लेस इमीडिएटली बिकॉज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, एज अ रिजल्ट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड द लॉस शैल बी बॉर्न बाय द बायर इवन दो गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ सेलर, आर वी वेरी क्लियर विद दिस थिंग, पक्का, और जबकि यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क किसका होगा, सेलर का, नॉट बायर का, आगे बढ़े, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर्स ब्रीच, नाउ ध्यान से सुनिएगा, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर्स ब्रीच, व्हेन आई से बायर्स ब्रीच इसका मतलब बायर ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो सेलर को क्या राइट्स मिल रहे हैं, सुनिए, सेलर कैन सू द बायर फॉर प्राइस इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन, बायर को आप स्यू कर सकते हो प्राइस के लिए इवन दो गुड्स आपके पोजेशन में है, और यहाँ पे सेलर कैन स्यू द बायर फॉर डैमेजेस इवन दो गुड्स आर इन बायर्स पोजेशन, अब समझिए बात को, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस, प्राइस और डैमेजेस में फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये गुड्स मैं 20 रुपीज का बेचती हूँ तो दिस इज वॉट प्राइस, सब लेट्स से आई सेल द गुड्स टू यू, फिजिकली गुड्स मेरे पास है नॉट डिलीवर टू यू, बट स्टिल अगर आप बाद में लेने से मना करते हो मैं आपसे 20 रुपीज वसूलूंगी, गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ सेलर, स्टिल आई कैन स्यू द बायर, स्यू यू एंड आस्क यू फॉर 20 रुपीज, क्लियर है ये बात, अच्छा फॉर डैमेजेस का मतलब क्या होता है, ये पेन 20 रुपीज का, इसमें मेरा प्रॉफिट है 2 रुपीज का, ठीक है, तो अगर अग्रीमेंट तो सेल है तो एटमैक्स में आपसे 2 रुपीज डिमांड कर सकती हूँ ओनली फॉर द डैमेजेस, क्लियर है ये बात, नेक्स्ट राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर्स ब्रीच, ना बायर का क्या राइट है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर सेलर ने बेसिकली ब्रीच किया तो बायर के पास सेलर के तो राइट है ही और अगेंस्ट द थर्ड पार्टी भी राइट है, वही लिखा हुआ है बायर कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस एंड कैन सू द थर्ड पार्टी हु बॉट दोस गुड्स, क्लियर है ये बात, जबकि यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल में आप सी को कुछ नहीं बोल सकते, व्हाट ऑल यू कैन डू इज यू कैन सू द सेलर एंड आस्क फॉर डैमेजेस, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स, ना ध्यान रखिएगा वेन एवर इंसॉल्वेंसी टर्म कम्स अप हमारे पास क्या आता है, एक वर्ड ऑफिशियल असाइनर या ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, नाउ अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स उसके पोजीशन में है, चिंता किसको होगी, बायर को, तो बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, जबकि यहाँ पे अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो बायर कैन क्लेम ओनली इफ ही हैज पेड द प्राइस, बायर ने अगर पूरा प्राइस पे कर दिया तो वो क्लेम कर पाएगा और एल्स वो क्लेम नहीं कर पाएगा ऑफिशियल असाइनी से, ठीक बात है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर पेइंग द प्राइस, ना अगर बायर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है इन दैट केस क्या होगा, समझो बात को, बिकॉज सेल हो चुका है तो ओनरशिप ट्रांसफर, इन दिस केस ऑफिशियल असाइनी आ जाएगा मेरे दरवाजे पे, हाँ जी गुड्स तो सेल हो गए थे ना, वो बायर इंसॉल्वेंट हो गया उसके बिहाफ पे अब मेरे को दे दो, ठीक है, तो सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, क्लियर है ये बात, और यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल में मान लीजिए बायर ने प्राइस पूरा नहीं पे किया तो मैं ऑफिशियल असाइनी को क्या बोलूंगा, सी द बायर हैज नॉट पेड द प्राइस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द गुड्स, ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन, पक्का, तो इतने पूरे डिस्कशन से क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेसिक फंडा, सेल ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, अग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डे, और सारा खेल ओनरशिप पे है, ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब रिस्क और रिवॉर्ड चले गए, अब उसमें कोई रिवॉर्ड हुआ वो किसका होगा, बायर का, कोई रिस्क है बायर की, तो डिस्ट्रक्शन वाले पॉइंट यहाँ पे कवर अप हो गए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
इंसॉल्वेंसी की अगर हम बात करें तो इंसॉल्वेंसी के केस में बिकॉज ट्रांसफर हो गया, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है इन दैट केस क्या होगा, बायर डिमांड करेगा गुड्स, ठीक है। बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर को देना पड़ेगा ऑफिशियल असाइनी को, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन यहां पे, क्लियर है ये पॉइंट। अगला है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज का भी सुना है, हायर परचेज अकाउंट्स का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एचपी बेसिकली जिसको बोला जाता है हायर परचेज अग्रीमेंट। क्या बोलता है ये हायर परचेज अग्रीमेंट, लेट्स से मैं यहां पे जाती हूँ मारुति के शोरूम में, ठीक है। अभी मारुति के शोरूम में मेरे को गाड़ी लेना है बट आई एम नॉट हैविंग द इनफ मनी, मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी बुक कर ली, 10 लाख अपफ्रंट मेरे पास देने में नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हमेशा फाइनेंस वाले लोग बैठे रहते हैं, अगर मैं कुछ हायर परचेज पे लेंगी तो क्या होगा, इनिशियली मुझे एक डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज डीपी, और उसके बाद क्या होगा, इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज इज दैट यहाँ पे ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, यानी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अब बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते, तो ओनरशिप कभी ट्रांसफर होगी, व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पे, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बात क्लियर है पक्का ना। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती गुड्स किसके रहेंगे, वेंडर के, एक होता है वेंडर दूसरा होता है हायरर, जिसने हायर पे लिया है, ठीक है। हायर परचेज एक होता है वेंडर जो सेल करता है, दूसरा परचेजर या बायर, तो गुड्स किसके रहेंगे, वेंडर के, दैट इज द सेलर के। आपने एक इंस्टॉलमेंट देने में गड़बड़ करी, मैं आपके यहां आऊंगी गुड्स उठा के चल दूंगी, हिटिंग माई पॉइंट करें। जबकि सेल के केस में क्या ऐसा हो सकता है, सेल के केस में आप नहीं उठा सकते हो। अब जैसे दूसरा क्या तरीका है, मैं मारुति वाले को बोलू कि देखो हायर परचेज पे नहीं लेना है, आप फाइनेंस कर दो, फाइनेंस करने का मतलब मैं अपफ्रंट में सारे पैसे नहीं दूंगी, वहां भी मैं फाइनेंस करा रही हूं, बट सेल में क्या रहेगा, प्रॉपर्टी इमीडिएटली मेरे नाम पे हो जाएगी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन विल बी ऑन माई नेम, ठीक है। वहां पे भी मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकती हूँ। अब वहां पे अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो मारुति वाले आके मेरी गाड़ी को टच भी नहीं कर सकते, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सू मी फॉर डैमेजेस, क्लियर है ये बात, समझते हैं। रेगुलेटिंग लॉ, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसको रेगुलेट करने वाला, जबकि यहाँ पे हायर परचेज में वी आर हैविंग हायर परचेज एक्ट 1972, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट इज अ अग्रीमेंट फॉर हायरिंग एंड दस अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। पोजेशन ऑफ गुड्स, नाउ सेल में पोजेशन नीड नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, हायर परचेज का बेसिक फंडा यही है कि सामने वाले को गुड्स चाहिए यूज करने के लिए बट पैसे नहीं है, सो पोजेशन हैज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर होना मस्ट है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ऑब्वियसली सेल में इमीडिएटली होगा और हायर परचेज में टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक बात है। राइट टू टर्मिनेट, ना द बायर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब अगर सेल हो चुका है लेटर ऑन मेरा मन बदल गया यार नहीं खरीदना, क्या मैं ऐसा टर्मिनेट कर सकती हूँ, नहीं, सेल होने का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। जबकि हायर परचेज के केस में अब अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाती हूँ, मेरा मन नहीं है, तो आई कैन सिंपली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, आप टर्मिनेट जब चाहे तब कर सकते हो। नेक्स्ट राइट टू रीपजेस द गुड्स, बिला आपको ना रीपजेस द गुड्स, गाड़ी वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो स्टिल मारुति वाले आपकी कार को टच भी नहीं कर सकते, व्हाट दे कैन डू इज सी यू वॉन्ट डैमेजेस, तो वही लिखा हुआ है द सेलर हैज नो राइट टू रीपजेस द गुड्स, ही कैन सी यू फॉर द प्राइस, जबकि वेंडर हायर परचेज वेंडर हैज अ राइट टू रीपजेस द गुड्स इफ द हायर डिफॉल्ट्स, ठीक बात है। अकाउंट्स में जब आप हायर परचेज अकाउंट्स बनाओगे वहां पे भी पहला दिन पूरा आपको बेसिक थ्योरी सिखाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रीपोजेशन होता है, तो अकाउंट्स में हम एक रीपोजेशन अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पहले थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल टू थर्ड पार्टी, ना यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल काम आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ सेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसका मतलब
गुड्स मेरा था, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, तो आपको जो टाइटल मिलेगा वो कैसा होगा? द पॉइंट इज ए ने बी को सेल किया, किसके गुड्स हो गए? बी के। अब अगर बी सी को ट्रांसफर करता है तो क्या हुआ? वैलिड टाइटल, गुड टाइटल पास कर रहा है। जबकि अगर कोई चीज मेरी ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? ये माइक मेरा नहीं है, क्लास का है, क्या मैं आपको दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। तो वही चीज है, हायर परचेज में गुड्स किसके हैं? वेंडर के। जब हायरर के खुद के नहीं है तो हायरर अगर किसी और को पास करेगा तो क्या वो वैलिड टाइटल पास करेगा? वही चीज लिखी हुई है, द हायरर कैन नॉट ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टी बिकॉज ओनरशिप इज नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नीड नॉट नेसेसरी बी इन राइटिंग, जबकि हायर परचेज में राइटिंग होना जरूरी है। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। हम क्या कर रहे हैं ना? सेल किसका होता है? गुड्स का। सेल ऑफ गुड्स एक्टिव पढ़ रहे हैं। सो वी हैव टू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन सेल ऑफ गुड्स या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लेबर, वर्क इन लेबर। यहां पे व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, जो नाम लिखा हुआ वही डोमिनेटिंग फीचर है। समझना, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे कुछ पार्ट गुड्स का होता है, कुछ पार्ट वर्क या लेबर का होता है। मैं समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स मतलब गुड्स आर इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, यानी यहां पे गुड्स का डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आई? गुड्स डिलीवर करने में जो थोड़ा बहुत लेबर लग रहा है दैट इज इररिलेवेंट। यहाँ पे क्या मेजर फीचर है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। और जबकि यहाँ पे क्या है? सेल ऑफ वर्क एंड लेबर, दैट मीन्स पर्सनल स्किल आर इन्वॉल्व। ठीक है, गुड्स पीछे आता है, ये गुड्स बाद में, पहले ये एक स्किल है। बात समझ में आई? दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं। लेट से यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पढ़ाती हूँ। एक्स एंगेज एन आर्टिस्ट टू पेंट अ पोर्ट्रेट एंड सप्लाइड कैनवस पेंट एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स। आपने एक पेंटर को क्या दिया? पेंटर को हायर किया एंड आस्क हिम टू मेक द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट बनाने के लिए कैनवस कलर्स एक्सेट्रा दिए। तो क्या यहाँ पे कैनवस कलर्स ये इंपॉर्टेंट है या उसका पर्सनल स्किल इंपॉर्टेंट है? बताओ मुझे, पर्सनल स्किल इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? वर्क एंड लेबर। सेल नहीं है, सेल ऑफ गुड्स क्यों नहीं है? बिकॉज गुड्स आर नॉट इन द डोमिनेटिंग पोजिशन। वैल्यू इस कैनवस की या इस कलर्स की नहीं है, उस पूरे पोर्ट्रेट बनाने वाले के। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। दूसरा, आप बाजार जाते हो, बाहर वो पेंटिंग अच्छी लगी, आपने परचेज कर लिया, तो दीज आर गुड, इट इज जस्ट अ गुड। तो वही लिखा हुआ है, एक्स परचेज अ पोर्ट्रेट पेंटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर बिकॉज द सब्सटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिलीवरी ऑफ द पोर्ट्रेट। तो वॉट इज इम्पोर्टेंट इज द सब्सटेंस। बात क्लियर है? आप लोगों ने मुझे ये पेन पकड़ाया सर ने, ठीक है, अब बताइए ये सर्विस किस चीज की है? पेन की या फिर ये इंटेलेक्चुअल सर्विस ऑफ टीचिंग? इंटेलेक्चुअल सर्विस है टीचिंग का, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। बात क्लियर है? समझ आया? तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। और ये डेफिनेशन कौन देता है? सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ वर्क इन लेबर यहाँ पे कवर्ड नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क इन लेबर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज आर्टिस्ट स्किल एंड नॉट द डिलीवरी ऑफ द मटीरियल। बात क्लियर है? अब इससे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। आपने यहाँ पे, ठीक है, किसी को थ्रेड, धागा सप्लाई किया, रेशम का बढ़िया धागा सप्लाई किया कि वीवर्स को, यहाँ जो लोकल वीवर्स होते हैं, कि आप एक बढ़िया साड़ी बनाओ, बनारसी साड़ी बनाओ।
अगर आपने उसको थ्रेड सप्लाई किया, इम्पोर्टेंट क्या है? थ्रेड का डिलीवरी, क्या वो थ्रेड का प्राइस है या वो वीवर की कला का प्राइस है? वीवर की कला का प्राइस है उसका, तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क इन लेबर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है, ठीक है। और एक आप डायरेक्ट साड़ी खरीदो, दिस इज व्हाट? गुड्स, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट मैटर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन द गुड्स। जैसे मैंने पहली चीज यहाँ पे बताई कि जब मैं बात करती हूँ सेल ऑफ गुड्स है कि आई डिस्कस ओनली मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स नहीं डिस्कस करते। इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर टोपा एक्ट। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मूवेबल की। अब मूवेबल में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तीन चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इमूवेबल प्रॉपर्टी समझाने की जरूरत नहीं है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब, एक्शनेबल क्लेम, वर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं, खुद से मतलब निकालेंगे। एक्शनेबल क्लेम यानी वो क्लेम्स जो कि हम कोई एक्शन लेंगे तभी हम एनफोर्स करा पाएंगे। दोज क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन, एक्शन का मतलब आप सूट फाइल करोगे तभी जाके वो एनफोर्स करा पाओगे। तो दोज आर नॉट गुड्स, क्लियर है ये बात? दोज क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय लॉ और बाय सूट। तो गुड्स में एक्शनेबल क्लेम नहीं आता है। एग्जाम्पल भी देंगे, वेट फॉर सम टाइम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्या वो यहाँ पे गुड्स है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एनफोर्स कराना है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं समझते हैं? चलिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। आई बींग अ सेलर, यू बींग अ बायर, मैंने आपको क्रेडिट सेल किया, आप क्या हुई मेरी? डेटर, बोलो, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, डेटर हो। अब मैंने आपको उधारी पे माल दिया, आप हो मेरी डेटर। अब देखो, उधारी पे देने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्या गारंटी है मैडम आप मेरे को वापस करोगे पैसा? आपने अगर वापस नहीं किया तो मेरा पैसा डूब जाएगा ना। तो आप कैश परचेज, कैश सेल में आपको करना चाहती हूँ, क्रेडिट सेल नहीं करना चाहती। अब आपको माल की जरूरत है, आप क्या बोलोगे? आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे? प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? नॉर्मल ट्रेडिंग में जब आप बैंक से लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रखते हो। नॉर्मल ट्रेडिंग में व्हाट यू कैन डू इज, डेटर जो है ना क्रेडिटर को एक बिल बेसिकली देता है, ठीक है। मैं एक बिल लिखती हूँ, मैं अपना शॉप में आने आपको आइटम सेल किया तो मैं एक बिल बना के दूंगी, मैं आपको बिल बना के दूंगी, आप उस पे साइन करोगे। बिल मान लीजिए 20,000 का है, तो बिल से ये प्रूफ हो जाएगा कि आप मेरे को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड उसमें दिया हो उतना आप मेरे को पैसा देने वाले हो। वो क्या हुआ? बिल। अब ये बिल क्या नॉर्मल पेपर पे होता है? नॉर्मल पेपर पे हो, बट उस पे स्टैंप लगता है। स्टैंप मतलब गवर्नमेंट वाला स्टैंप लगता है। अब अगर आपने 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट नहीं किया, आफ्टर 3 मंथ आपको पेमेंट करना था, 3 महीने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया, मैं क्या करूंगी? कोर्ट में जाके आपको सीयू कर दूंगी। सर देखिए, ये रहा बिल, बिल के हिसाब से मैडम के साइन है, मैडम ने एक्सेप्ट किया है कि मुझे पे करेंगे और अभी पे नहीं कर रही, तो दिस इज व्हाट, आई कैन एनफोर्स द बिल थ्रू कोर्ट। बात समझ में आई? तो एक्शनेबल क्लेम में, एक्शनेबल क्लेम का मतलब वो सारी चीजें जो कि आप एनफोर्स करा सकते हो लॉ के थ्रू या किसी सूट के थ्रू, वो गुड्स नहीं है। बात क्लियर है? पक्का? वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, वो गुड्स नहीं माने जाएंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, एंड मनी, मनी इज नॉट अ गुड। अब समझना, गुड्स में 3 चीजें जो नहीं आएंगे, फिर से बोलिए मेरे साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अगला सवाल आता है, वेदर द शेयर्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स? यस, गुड्स में शेयर्स इंक्लूडिंग होंगे। तो हम यहाँ पे जरा साइड में लिख लेते हैं, गुड्स में एक्सक्लूड पड़ा 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम एंड नेक्स्ट इज मनी। एंड गुड्स इंक्लूड व्हाट? शेयर्स, स्टॉक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक? कंपनी लॉ जो पढ़ के आए हैं उनको पता रहना चाहिए शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, बताया था मैंने।
क्या शेयर को फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं? नहीं. व्हाट आई कैन से इज, मान लीजिए 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना हो गया? 1000. 100 शेयर है 10 ईच, ठीक है, 10,000 रुपए, 1000, आई एम सॉरी, ये बात क्लियर है. तो शेयर्स हमेशा नंबर्स में रहेंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. 6.5 शेयर ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अब समझना बात को, 1000 रुपए का वैल्यू है टोटल. मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना यहाँ पे 657 रुपीज का सेल करना है. कितना सेल करना है? 657. अब 657 का मतलब क्या हुआ? कितना शेयर? 65.7 शेयर. 65.7 शेयर नहीं हो सकता, शेयर्स के नॉट बी फ्रैक्शन. तो जब आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर आप फ्रैक्शन में भी सेल कर सकते हो. फिर वहां पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, शेयर में नंबर इंपॉर्टेंट होता है. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर, वो इंपॉर्टेंट है. अगर मैं उसी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर लूँ तो मनी वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसका मतलब अगर मैं चाहूँ शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर लूँ, फिर मैं 657 का भी सेल कर सकती हूँ, 57 रुपीज का भी कर सकती हूँ, 18 रुपए भी सेल कर सकती हूँ. तो वहां पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वहां पे स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, ठीक है. ध्यान रखिएगा, हमेशा प्राइमरी मार्केट में इशू जो होता है, इशू मतलब प्राइमरी मार्केट का मतलब आईपीओ जो आता है ना, आईपीओ हमेशा शेयर्स का आता है, कभी भी वो वैल्यू में नहीं आता है, वो शेयर में आता है. हम बोलते हैं हम 10 शेयर ले रहे हैं, 5 शेयर ले रहे हैं, ठीक है. बट लेटर ऑन इफ वी विश, हम उस शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंपनी लॉ वाला ज्ञान यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंपनी लॉ का सेशन नहीं चल रहा. द ओनली थिंग इज शेयर्स एंड स्टॉक्स आर इंक्लूडेड इन बुक्स. क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है क्या? अगला, ग्रोइंग क्रॉप्स. ग्रोइंग क्रॉप्स इसका मतलब क्रॉप्स डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. आई कैन मेक अ अग्रीमेंट कि नेक्स्ट ईयर जितना भी मेरा पोटैटो उसका कल्टीवेशन होगा, आई सेल इट टू यू. अब ये क्रॉप ही है, पोटैटोस क्या है? क्रॉप है. तो ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स में आता है. ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जितनी भी चीजें लैंड से हैं जिसको आप अलग कर सकते हो. हम ग्रास को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई मशीनरी जो कि इनबिल्ट है जमीन पे, अगर आप उसको अलग कर सकते हो तो वो मशीनरी भी आपकी गुड्स हो जाएगी. जो भी चीजें जमीन से आप सीवियर कर सकते हो, सीवियर का मतलब SEVER, सीवियर कर सकते हो. मच कैन बी सीवियर फ्रॉम द लैंड, विच यू कैन टेक अवे फ्रॉम द लैंड, आप उसको अलग कर सकते हो. ऑल दोज विल बी इंक्लूडेड इन द गुड्स. क्लियर है ये बात? एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इम्पोज बाय एक्शन और सूट. एग्जाम्पल अ डेट. अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स. मिला आपको? समझा? डेट क्या है? डेट को कैसे इम्पोज करा सकते हैं? एक्शन लेके. तो इट इज अ एक्शनेबल क्लेम, ये गुड्स में नहीं आएगा. बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब ना थोड़ी चीजें और, जैसे ना हमने मनी को बेसिकली नहीं इंक्लूड किया. क्या नहीं इंक्लूड किया? मनी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुकी, एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात कर चुकी, मनी की बात करते हैं. आई सिंपली सेड दैट मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द गुड्स, ठीक है. अब मनी छोड़ो, अब मुझे एक बात बताओ, जो रेयर एंटीक कॉइन्स होते हैं, एंटीक कॉइन्स का मतलब जितने भी चांदी के सिक्के रहते हैं या और कोई पुराने जमाने के एकदम पुरानी करेंसी के एंटीक कॉइन्स जिसको बोलते हैं, क्या वो गुड्स में आती है? यस, वो मनी नहीं है, दोज आर गुड्स. डिफरेंस होता है मनी में और गुड्स में. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्ट एक क्लैरिफिकेशन लेके आया, उन्होंने बोला, लिख लीजिए उसको, माफ कर लीजिए, माफ करिए, रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स. रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स लिख लीजिए कहीं पे भी प्लीज, आर इंक्लूडेड इन द गुड्स. जैसे जहां लिखा हुआ ना कि ग्रास ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूडेड है, वहां ये भी लिख लीजिए, रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स आर इंक्लूडेड इन द गुड्स. ठीक बात है? कोई कंफ्यूजन? देखो कुछ चीजें ना एक्ट बता देता है डेफिनेशन से, जैसे इतनी सारी चीजें, ये तीन चीजें नहीं आएंगी और यहाँ पे स्टॉक और शेयर्स आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारी चीजें आएंगी, ये तो एक्ट ने बता दिया. फिर क्या होता है, किसी मैटर पे डिस्प्यूट हुआ, ठीक है,
अब वो एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, फाइनली कोर्ट ने उसको डिसाइड किया इंटरप्रिटेशन निकाल के कि क्या ये कुछ में आएगा या नहीं, तो वो चीजें एक्ट में लिखी नहीं रहती, वो अलग से समझनी पड़ती है। तो ये अलग से इंटरप्रिटेशन है दैट रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स आर इंक्लूडेड इन द गुड्स। पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बात, जितनी भी ये गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क, ब्रांड, पेटेंट, ये सब क्या है आपके, अगेन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ गुड्स। लिखिए अलग से, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल आर कंसीडर्ड एज गुड्स। सबको समझ आया? तो अब कभी भी अलग से क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे क्या? दो चीजें एडिशनल लिखाई, एक तो रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स गुड्स है, इसके अलावा गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी आपके गुड्स में आता है। क्लियर विद दिस थिंग? पक्का? आगे बढ़े। चलिए अब गुड्स का टाइप करते हैं, ठीक है? चार्ट आई होप आप सबके सामने है, ऊपर का पूरा एक्सप्लेनेशन जाने दीजिए, मैं सब समझाऊंगी। पहले चार्ट की बात करते हैं। गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स आपको पॉइंट नंबर टू में मिलेगा, दोज आर दोज गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दोज ओन्ड और पजस्ड बाय द सेलर। बात समझ में आई? एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस। आप आज मेरे आए हो, मैं मान लीजिए मंडी में हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना क्विंटल वीट का है, आप उसका सेल परचेज करने आए, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, या तो मेरे गोडाउन में रखा हुआ है बस, या फिर मेरे बिहाफ पे ये होल्ड करे, दैट मीन्स इधर आई ओन द गुड्स और आई पजेस द गुड्स, बट गुड्स है, ये बात क्लियर है। और एक मैं अग्रीमेंट करती हूँ कि अगले साल की जो भी क्रॉप होगी आई सेल इट टू यू, अगले साल जो भी प्रोडक्शन होगा आई सेल इट टू यू। तो क्या अभी वो पोटैटोस है? अगले साल की क्रॉप की बात हो रही है, अग्रीमेंट टू सेल यही होता है। तो दीज आर नॉट फॉर द प्रेजेंट गुड्स, ये फ्यूचर गुड्स हो गए। विच फ्यूचर गुड्स का मतलब विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मार्क कर लेते हैं, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बात क्लियर है? ठीक है, तो अभी मुझे बताना फ्यूचर गुड्स क्या अभी प्रेजेंट है, तो क्या उनका एक्चुअल सेल हो सकता है? तो फ्यूचर गुड्स का हमेशा होता है अग्रीमेंट ऑफ सेल। बात क्लियर है? पक्का? फ्यूचर गुड्स का हमेशा होगा अग्रीमेंट ऑफ सेल, एक्चुअल सेल फ्यूचर गुड्स का नहीं हो सकता, बिकॉज वो है ही नहीं अभी। एक्चुअल सेल किसका होगा? एग्जिस्टिंग गुड्स का। ये बात क्लियर है? तो अभी हमको दोनों बाइफर्केशन समझ आए, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। चार्ट देख के, एग्जिस्टिंग जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब वो गुड्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट तभी कर रहे हैं गुड्स अगले साल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो फिर दो आर फ्यूचर गुड्स। क्लियर विद दिस थिंग? पक्का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा? आगे बढ़े। अगला, एग्जिस्टिंग को हमने डिवाइड किया स्पेसिफिक गुड्स, जिसको हम एसर्टेन भी बोलते हैं, और जेनेटिक के बजाय जेनेरिक है, आर कर लीजिए उसको, जेनेरिक, जनरल जो हम बोलते हैं, जनरल करें आगे, तो स्पेसिफिक गुड्स और जनरल गुड्स, जनरल को हम बोलेंगे अनएसर्टेन्ड गुड्स। अभी बात करते हैं ये दोनों किसके बाइफर्केशन के हैं, एग्जिस्टिंग के, मतलब गुड्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें गुड्स एग्जिस्ट तो करते हैं, बट बायर ने सेलेक्टिवली चूज किया, बायर ने सेलेक्टिवली नहीं चूज किया, उस पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक गुड्स या जनरल गुड्स। मैं एग्जाम्पल देती हूं, लेट से देखो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आया तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स की और स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन, स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, एसर्टेन स्पेसिफिक, और जेनेरिक गुड्स ठीक है, स्पेसिफिक और एसर्टेन। लेट्स से ए बीइंग अ सेलर, और ये सेलर है, बी बायर है,
ए के पास दो हॉर्स है, वन व्हाइट इन कलर, दूसरा ब्लैक इन कलर, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों में कॉमन रहेगा। अब मान लीजिए बायर ने, पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला, बायर ने अगर स्पेसिफिकली बोल दिया दैट आई वांट अ व्हाइट हॉर्स, तो ये क्या हो गया? पहली बात, हॉर्स एग्जिस्ट तो करता है, इसलिए ये दोनों किसके पार्ट है? एग्जिस्टिंग के दोनों पार्ट है। हॉर्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो, अगर बायर बोलता है कि व्हाइट हॉर्स चाहिए, बायर स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एसर्टेन गुड्स। और अगर बायर ये बोलता आई वॉन्ट अ हॉर्स, आई वॉन्ट अ हॉर्स, अभी हॉर्स परचेज करना है, अग्रीमेंट कर लिया, बट बताया नहीं कि व्हाइट या ब्लैक, तो दिस इज व्हाट? जेनेरिक अनअसर्टेन गुड्स। आप जाते हो, ठीक है, आपको घड़ी लेना है, आप जाते हो फास्ट ट्रैक के शोरूम में, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, बार बार आता है, वो पूछेंगे ये ट्रांजैक्शन हुआ कौन सा गुड्स है। आप फास्ट ट्रैक पे जाते हो, आपने ब्रांड तो चलिए डिसाइड कर लिया, फास्ट ट्रैक की दुकान पे जाते हो, उनसे बोलते हो कुछ डिस्काउंट चल रहा है, फास्ट ट्रैक बोलता है हाँ आजकल अभी 10% ऑफ चल रहा है। आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाते हो कि कल मैं आऊंगा और मैं एक घड़ी खरीदूंगा, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया, शोरूम में घड़ियां लगी हुई है, तो दिस इज व्हाट? एग्जिस्टिंग गुड्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट आज किया, क्या आपने एग्जैक्टली कोई घड़ी चुनी? Have you choose any watch? नहीं। आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कल आके इतनी सारी वॉचेस में से आप कोई एक सेलेक्ट करोगे, तो प्रेजेंटली आज के दिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अनअसर्टेन गुड्स। ये बात क्लियर है, पक्का, कोई कंफ्यूजन? ये एग्जाम्पल बार बार आता है, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिर्फ ब्रांड चूज किया, पर्टिकुलर मॉडल नहीं चूज किया, तो दिस इज वॉट? अनअसर्टेन। अब पढ़ लें इसमें से, स्पेसिफिक गुड्स आर गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। स्पेसिफिक गुड्स मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, पढ़ो ध्यान से, जेनेरिक और अनअसर्टेन गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉट आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। आपने अपने फ्रेंड को बोला कल जाएंगे फास्ट ट्रैक खरीदने, दिस इज बाय अ डिस्क्रिप्शन, बट क्या एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं, मॉडल नंबर नहीं सेलेक्ट किया, ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन? पक्का, कौन सा वाला? स्पेसिफिक का फर्स्ट, कौन सी लाइन एग्जैक्टली? मैंने बहुत सिंपल इसी में से रीडिंग लिया, मैंने ये बोला दैट स्पेसिफिक गुड्स मींस, पढ़ो पॉइंट नंबर फोर को, गुड्स आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स में भी डिस्टिंग्विश फ्रॉम जेनरिक और अनअसर्टेन गुड्स ओनली बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉट आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। सी, आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हो दैट मैंने फास्ट ट्रैक का घड़ी लेने का सोचा है, तो फास्ट ट्रैक डिस्क्रिप्शन दिया, एग्जैक्टली मॉडल आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? इतने सारे मॉडल से दुकान पे, क्या मॉडल डिसाइड किया? नहीं। तो दिस इज व्हाट? अनअसर्टेन गुड्स, यानी अनअसर्टेन गुड्स में आप डिस्क्रिप्शन देते हो बट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। आप किसी बिग बाजार में जाओ, चलो हम बिग बाजार में जाते हैं, बिग बाजार में राइस की चार क्वालिटी दी हुई है, अलग अलग क्वालिटी है, बासमती, दावत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग ब्रांड्स है। अब आपने ये सोचा कि हमको राइस लेना है, ठीक है, क्लैरिटी है ऑन द गुड्स, बट क्या आपने ये स्पेसिफिकली किया कि आपको बासमती का ये वाला ब्रांड लेना है? तो राइस क्या है? अगर आप बोलते हो बासमती राइस का, बासमती का एग्जैक्टली ये वाला ब्रांड ले, दिस इज व्हाट? स्पेसिफिक। आप सिंपल बोलते हो बासमती राइस लेना, अब बासमती के सामने वाले ने चार ब्रांड लगा रखे हैं, बासमती एक क्वालिटी है जिसके चार अलग अलग डीलर्स हैं, यू आर नॉट डिसाइडेड, घर से सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन देते हो बासमती चावल लेना, आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कि इस वाले ब्रांड का लेना है? नहीं ना। तो दिस इज व्हाट? अनअसर्टेन, ठीक बात है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां पे? आगे बढ़े। अब स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, डिलीवरेबल स्टेट और नॉट अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब गुड्स आर इन सच अ सिचुएशन कि आप इमीडिएटली डिलीवरी दे सकते हो, दिस इज व्हाट? डिलीवरेबल स्टेट। और दूसरा होता है नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, यानी उसको डिलीवरी हम अभी नहीं कर पाएंगे।
एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर आप किसी रिटेल में काम करते हो कोल्ड ड्रिंक्स का, क्या वहां पे एक एक बॉटल डिलीवर होती है? रिटेल में जो लोग कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले, क्या उनको एक एक बॉटल ला कर देते, ये लो एक बॉटल, ये लो एक बॉटल? हम क्या देखते हैं, उसमें बड़ा सा उनका एक कैन रहता है, कैन या जो भी है वो रहता है, उसमें बॉटल्स नहीं रहती है। 12 बॉटल्स का एक ग्रुप हो गया, 24 बॉटल का एक हो गया। तो जब तक वो बेसिकली वो चीज नहीं रहेगा, तब तक क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे? बात समझ में आई? तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट का मतलब इमीडिएटली आप डिलीवरी कर सकते हो। हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। मान लीजिए आपका वाटर प्योरिफायर का काम है, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन आप करते हो, किनले, बिस्लरी, कोई भी बॉटल का नाम ले लो, ठीक है। अब बिस्लरी वालों के पास पानी बहुत है, क्या डायरेक्टली पानी ऐसे दे सकते हैं? पानी हैज टू बी इन अ बॉटल। तो अगर आपके पास बॉटल नहीं होगी, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो वही लिखा हुआ है, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट बायर वुड कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने टिम्बर का सेल किया, क्या कोई लकड़ी का ऐसे ले जा सकता है? एक लकड़ी, दो लकड़ी, ऐसा नहीं। अगर आपने उसका पूरा वो बांध दिया, गट्ठर बना दिया उसको, तब तक आप ये डिलीवरी ले सकते हैं ना? वही एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आता है बहुत बार। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर एंड मेक बंडल्स देयर ऑफ, द गुड्स विल बी इन द डिलीवरेबल स्टेट आफ्टर ए हैज पुट द गुड्स इन सच अ कंडीशन। अगर ए ने बंडल बना दिया तो गुड्स हो गए इन द डिलीवरेबल स्टेट। कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को अगर आपने कार्टन में रख दिया तो दीज विल बी इन द डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर है ये बात? अब मैंने इसलिए एग्जाम्पल में रिटेल वाला दे, क्योंकि अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं तो एक दो कोल्ड ड्रिंक ले जाऊंगी, खत्म बात। जो रिटेल का काम करता है, जिसको रोज 50 बॉटल मेंटेन करनी, वो एक एक बॉटल थोड़ी ना लेगा, वो तो पूरा का पूरा कार्टन लेगा। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पक्का आगे बढ़े? सिंपल है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। पेरिशिंग समझते हैं, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम खराब हो जाते हैं, जिनको इमीडिएटली सेल ऑफ कर देना पड़ता है। जैसे फ्रूट्स हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकते। फूड के जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे इस टाइप के होंगे, ठीक है। अब अगर मैं मैंगोस की बात करूं और मैं पिकल की बात करूं, मैंगो पेरिशेबल है, क्या पिकल अचार पेरिशेबल होता है? आज का सुन ही ना खराब होगा, लंबा टाइम लगता है खराब होने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेरिशेबल गुड्स समझ आया? तो पेरिशेबल गुड्स में क्या लिखा हुआ है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। दो अलग अलग बातें हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। एक बार रीडिंग लो, आई रिक्वेस्ट। कनेक्ट को गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पूछा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उससे पहले अगर गुड्स पेरिशिंग हो रहे हो, ठीक है, कंडीशन ये कि सेलर को पता होगा या तो सेलर को नहीं पता होगा। अब सोच के देखना जरा ध्यान से, आप फ्रूट वाले के पास जाते हो, फ्रूट्स या मिल्क पेरिशेबल आइटम है। अब अगर वो जानता है सेलर की ये पेरिशेबल है, और अगर पहले से ही खराब होने लग गए, फिर भी सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बताइए क्या होगा? आप सेलर को रोकोगे ऐसा करने से? सेलर विल बी स्टॉप्ड। मॉरली ये गलत है। आपको पता है कि मिल्क पेरिशेबल आइटम है, दो दिन पुराना हो चुका है, इसलिए अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल का, तो ये क्या है? गलत है। तो सेलर विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सच कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बेचारे सेलर को पता ही नहीं था, ठीक है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ही वॉज नॉट अवेयर कि गुड्स पेरिश हो रहे, सेलर वॉज नॉट अवेयर।
अब समझना, अगर सेलर को पता नहीं है तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, बायर भी एक्सेप्ट नहीं करे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा वॉइड। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वैलिड था, बट बिकॉज गुड्स पेरिश्ड हो गए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। पढ़ेंगे उसको, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स पेरिश और गेट डैमेज्ड बिफोर द नॉलेज, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर को नॉलेज नहीं है, देखो चीटिंग नहीं किया है, सेलर बोल रहा है हमारा आम बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेचारी को पता ही नहीं कि आम खराब हो गया, बायर ने देखा बोला कितना खराब क्वालिटी है, तो फिर क्या होगा, ये जो अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था ये हो जाएगा वही। तो सो लॉन्ग एज नो लॉन्गर टू मैच विद द डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। आगे, इफ हाउएवर द सेलर वॉज अवेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड स्टिल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर है, बहुत सिंपल, सेलर को अगर पता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, और अगर पता है तो उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम करने ही नहीं देंगे। क्लियर है ये बात? अगला, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, फिर क्या होने वाला है? देखो, इफ देयर इज अ अग्रीमेंट टू सेल द गुड्स एंड द गुड्स गेट डैमेज्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर विदाउट द रिस्क हैविंग पास्ड टू बायर, देन सच अग्रीमेंट वुड बी वॉइड। समझना बात को, बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन आई से अग्रीमेंट टू सेल इट मींस ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अब अगर गुड्स पेरिश हो जाते हैं विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर तो फिर वो हो जाएगा अल्टीमेटली वॉइड। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पक्का? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस मैंने हमेशा कहा कि यहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पर्पज के लिए हो रहा है, चैरिटी में अगर आपने कोई गुड्स दे दिया तो दैट विल नॉट बी कवर्ड इन द सेल ऑफ गुड्स चेक। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल था, तो प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले देर आर थ्री मोड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस। फर्स्ट, इट मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई कंफ्यूजन? अरे हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम प्राइस फिक्स कर लेते हैं, क्या इसमें समझाने वाली कोई बात है? आप यहाँ पे कोचिंग के लिए आए, हमने बताया कि इस क्लास की इतनी फीस है, आपने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगला, इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ अग्रीड मैनर। लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ अग्रीड मैनर का मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी फ्यूचर में जो भी उस टाइम मार्केट प्राइस चलेगा वो प्राइस हो जाएगा। जैसे गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हैं, देखो यहाँ पे गुड्स में ज्वेलरी आता है क्या? मैम अलग से तो नहीं लिखा है। अरे क्यों नहीं आएगा? एक्सक्लूड इमूवेबल एक्शनेबल और मनी। क्या ज्वेलरी मनी है? नहीं, तो ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। अब अगर मैंने आज अगर कोई रिंग पसंद करी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि भैया आप ये रिंग बनवाइए। अब उस दिन जिस दिन बिलिंग होगा उस दिन जो भी गोल्ड का प्राइस होगा वो लग जाएगा। तो प्राइस हैज टू बी डिसाइडेड इन अ अग्रीड मैनर। हमने आज फिक्स नहीं किया ना प्राइस, जब वो उस दिन का प्राइस रहेगा एक महीने बाद आप बना के दोगे, एक महीने बाद जो भी प्राइस रहेगा गोल्ड का वो लग जाएगा। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय अ अग्रीड मेथड। नेक्स्ट, इट मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। कोर्स ऑफ डीलिंग्स का मतलब जैसे जैसे डील करते जाएंगे वैसे वैसे हम डिसाइड करते जाएंगे। ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डिटरमाइनिंग द प्राइस इन द अबव मोड्स। अगर आप प्राइस नहीं डिटरमाइन करते हो, सी पहला चॉइस दिया था कि आप लोग खुद फिक्स कर लो, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, आप कोई भी अग्रीड मैनर डिसाइड कर लो। तीसरा, आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग्स डिसाइड कर लो। ठीक है, आपने किसी भी तरीके से अगर प्राइस फिक्स नहीं किया तो फिर क्या होगा, सोच के बताओ, क्या फ्री में मिल जाएगा? प्राइस हैज टू बी देयर ना, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? बायर मे पे द मस्ट पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। मार्क कर लीजिए, रीजनेबल, रीजनेबल। अब रीजनेबल क्या होता है, क्या ये कहीं भी डिफाइंड रहता है? नहीं, रीजनेबल वर्ड बहुत जगह आता है। इट इज नेवर डिफाइंड, इट डिपेंड ऑन द केस। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि रीजनेबल कितना पोर्शन होगा कितना नहीं होगा। ठीक बात है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, अ रीजनेबल प्राइस नीड नॉट टू बी अ मार्केट प्राइस। वो बार बार ये चीज पूछते हैं, रीजनेबल का मतलब क्या मार्केट प्राइस? नहीं, रीजनेबल इज नॉट नेसेसरी मार्केट प्राइस। पक्का याद रहेगा ये लाइन वो पूछेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फिक्सिंग प्राइस बाय थर्ड पार्टी। The agreement to sell become void if the following two conditions are fulfilled.
अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा वॉइड कब? इफ द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स बाय वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, इफ द थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। ध्यान से समझना, हमने अग्रीमेंट टू सेल बात करी, क्या मैंने सेल की बात की? अग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है, रीजन मींग अरे जो आज गुड्स है उसका तो प्राइस पता रहेगा ना, जो गुड्स अभी है ही नहीं तभी अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो फ्यूचर गुड्स का प्राइस आज कैसे बता सकते हैं? आपने अनियन की बात करी, आज का प्राइस पता है, अगले साल का जो कल्टीवेशन होगा उसका प्राइस आज कैसे पता चलेगा? बात समझ में आई? इसीलिए वो बात कर रहे अग्रीमेंट टू सेल की। तो मैंने अग्रीमेंट किया कि अगले साल जो भी अनियन का कल्टीवेशन होगा सेल इट टू यू। वहां पे इन्हें डिसाइड किया कि प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? थर्ड पार्टी। आज मैं बेसिकली सेलर हूँ, बायर हूँ, हम दोनों प्राइस नहीं बता सकते, तो जी थर्ड पार्टी जो भी मंडी वाला डिसाइड करेगा ना, हम वो रेट पे आपको सेल कर देंगे। ये बात हुई। अब मंडी वाले के ऊपर हम लोग रिलाय कर रहे हैं, और बेचारा मंडी वाला अगर वैल्यूएशन नहीं दे पाता तो फिर क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। तो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि वैल्यूएशन कौन करेगा? थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी इज अनेबल टू डू द वैल्यूएशन, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा वॉइड। ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है क्या? वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय द एंड द थर्ड पार्टी डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट वर्सेस एडवांस पेमेंट। करें इसको? अच्छा, अर्नेस्ट वर्सेस एडवांस पेमेंट। अर्नेस्ट क्या होता है? अर्नेस्ट और एडवांस पेमेंट देखा जाए तो काफी सिमिलर है, बट फर्क है। क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। सी, आपने मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर, मैं सेलर हूं आप बायर हो, ठीक है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सर्टेन गुड्स जो है सेल करूंगी, भाई यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। अब उसमें क्या रहता है ना, कई बार मैं आपसे एडवांस, मैं सिक्योरिटी के नाम पे आपसे मनी ले लेती हूँ कि पता चला आप दूसरे सेलर पे शिफ्ट कर जाओ, इसीलिए आप मेरे को सिक्योरिटी मनी के नाम पे कुछ दो। पहला तरीका तो ये रहता है। नॉर्मली सिक्योरिटी मनी बेसिकली आता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में, बट फिर भी यहाँ पे है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना, आजकल तो स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं ना, वहां पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, ठीक है। जब आप स्कूल छोड़ेंगे तब आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे, तो दिस इज व्हाट सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो पहला क्या हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एडवांस में पैसे लेना। मैंने इनसे कहा कि अगले साल का पूरा क्रॉप मैं आपको सेल करूंगी, बट अगले साल की क्रॉप के लिए मुझे आज बीज बोने पड़ेंगे, उस पर लेबर लगानी पड़ेगी, खेती करवानी पड़ेगी, तो पैसे लगते कि नहीं? तो बेसिकली उन सब के लिए भी पैसे चाहिए। अब मेरे पास मनी नहीं है, मैंने इनसे ले लिया एडवांस। बात समझ में आई? तो अर्नेस्ट मनी और एडवांस मनी में फर्क है। दोनों केसेस में बायर सर्टेन अमाउंट देता है सेलर को, बट नेचर में फर्क है। फर्स्ट इज अर्नेस्ट मनी, दैट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट काइंड ऑफ, ठीक है, और दूसरा होता है एडवांस मनी। काम करने के लिए मैंने एडवांस दिया है। बात क्लियर है? पक्का? जितना भी ये देखो केटरिंग का काम होता है शादी वगैरह में, तो क्या आप एक साथ पेमेंट करते हो? वो लोग एडवांस में पैसा लेते हैं, है ना। अब वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अर्नेस्ट मीन सिक्योरिटी फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस पेमेंट मीन द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स इन एडवांस विच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अल्टीमेट टोटल प्राइस। जैसे आप लोग यहाँ क्लास में आए, मैंने आपसे एडवांस फीस ले ली, ठीक है, उसके बाद जो फाइनल फीस होगी जब आप पे करोगे, मैंने आपको बताया फाइनल अमाउंट इतना है, आप एडवांस वाला पोर्शन माइनस करोगे ना, जो रिमेनिंग है वही दोगे। मान लीजिए हमने 10,000 पीस कोट करा, एडवांस के नाम पे आपसे अगर 2,000 ले लिया, आप लेटर ऑन मेरे को कितना दोगे? 8,000। दैट मींस दिस एडवांस मनी इज टू बी एडजस्टेड। बहुत सिंपल सी बात है, वही बोला हुआ है, एडवांस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अल्टीमेट टोटल प्राइस। समझा? अच्छा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट और कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर, ठीक है, अगर बायर की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो क्या होगा? सेलर बेसिकली
अर्नेस्ट मनी जो है, सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट कर लेगा, एडवांस मनी तो वापस करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कभी कभी क्या रहता है ना, जैसे आप क्लासेस में आते हो, मैं आपको कोचिंग क्लास के एंगल से बताती हूँ, ठीक है। कोचिंग क्लास में आपको कई बार रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस ली जाती है, ली जाती है कि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर होना चाहते हो तो आप इतना फीस पे करो, ठीक है। एक तो वह रजिस्ट्रेशन फी, दैट इज अ वन टाइम फी, और उसके बाद जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे फीस लगती जाएगी। तो कभी भी आपने अगर मान लीजिए लेटर ऑन क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करे, फिर भी हम क्या आपको रजिस्ट्रेशन मनी वापस करते हैं? रजिस्ट्रेशन वापस नहीं होता है। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने जो एडवांस दिया है मैं वो वापस कर दूंगी, चले ठीक है मैडम आप क्लास नहीं करना चाहती हैं, लीजिए अपने पैसे ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन मनी कभी भी वापस नहीं होता, वही चीज है यहाँ पे। अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी है वो आप वापस, और जबकि यहाँ पे एडवांस मनी वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए जो लास्ट थर्ड लाइन है ना वो बस इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज और कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर, द सेलर मे फॉरफीट द अर्नेस्ट एंड नॉट द एडवांस पेमेंट। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। तो वहां पे पूछा है कि क्या टाइम के कोई कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइम इज नॉट द एसेंस। बात समझ में आई? टाइम इज नॉट द एसेंस, वही लिख लीजिए। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी अ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बोलते कि टाइम एसेंस है तो बात और है, वरना जनरली टाइम इज नॉट द एसेंस। Other stipulation as to time, whether any other stipulation as to time is of the essence or not depend on the terms. ये सब कुछ depend किस पे करता है? Terms of contract पे। चलिए, with this आपका seal of good sale first unit, basic unit complete होता है। That's it for the day. Thank you.